हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आए हो आप सब बहुत ही अच्छे, तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपके रेड से बहुत ही धमाकेदार वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में क्या होने वाला है यार? आज किया लॉयल्टी टेस्ट। और यार मैं आपको बता दूं, मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत टाइम से बोल रहा है कि उसको अपने बंदे पे लॉयल्टी टेस्ट कराना है, क्योंकि उनका रिलेशनशिप है ना वो कुछ सही नहीं चल रहा है। तो यार अब दोस्त है, दोस्त का साथ नहीं देंगे तो फिर किसका देंगे यार। तो आज मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उसकी बंदी भी लॉयल्टी टेस्ट किया जाए, देखते हैं लड़की सही निकलती है गलत निकलती है। आज तक जितने वीडियोस बनाई है ज्यादातर केसेस में कि लड़की हमेशा गलत निकलती है। लेट्स सी क्या होता है इस वीडियो में। एक बार कॉल लगा लेती हूँ मैं अपने फ्रेंड को। हेलो, क्या हाल चाल अदित्य? अच्छा, बढ़िया यार। मैंने कैमरा वैमरा सब सेट कर लिया है। सो तुम बता रहे थे ना कि लॉयल्टी टेस्ट करना है अपनी गर्लफ्रेंड से, तो फिर करना है या नहीं? सोच लो पहले। करते हैं यार, देखे आज थोड़ी सी चेक करना। अच्छा, ट्राई करना है। ठीक है, नंबर बोलो मुझे उसका। देखो अगर दिल टूट जाए ना तो बुरा मत मानना, ठीक है? अब क्या, क्योंकि ठीक है, चलो नंबर बताओ। नंबर नोट करो, 950 950। मैं फोन लगा दी, तुम म्यूट कर देना वहां से। तो यार मैंने फोन लगा दिया बंदी को, देखते क्या होता है। यार ये नंबर ना अनरीचेबल जा रहा है, एक बार दोबारा बताओ नंबर। हेलो, हाय महक। हाय, कौन है? मैं रिट्स बोल रही हूँ। मुझे तुमसे ही बात करनी है। महक बोल रही हो ना तुम? हाँ जी, महक ही बोल रही हूँ मैं। आदित्य की गर्लफ्रेंड, राइट? अनफॉर्चुनेटली। बोलो क्या हो गया, इस टोन में क्यों बात कर रही हो? तुम कौन? मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ। अच्छी, काफी अच्छी दोस्त हूँ उसकी मैं। तो यार रात को आदित्य का फोन ही आया था मेरे पास, तो बहुत ज्यादा डिप्रेस था, बहुत रो रहा था। वो बंदा बोल रहा था कि सही नहीं चल रहा तुम्हारा रिलेशन, तो मेरे को लगा यार मैं वही है ना, दोस्त दुखी देख नहीं सकते एक दूसरे को। फिर मैंने कहा चल फोन कर लेती हूँ यार, एक बार पूछ लेती हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है तुम्हारे बीच। ओके, तो क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। नहीं रहना साथ, वो तो मुझे समझ आ गया नहीं रहना है, क्योंकि वो बता रहा था कि आजकल तुम बहुत बिजी जाती हो, सारा दिन फोन पे लगी रहती हो, वेटिंग जाता रहता तुम्हारा, तुम्हारे पास उसके लिए टाइम नहीं है मिलने को, अवॉइड करती रहती हो उससे। वो तो उस चीजों से समझ आ गया कि तुम रहना नहीं चाहती हो, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं रहना चाहती, बस वो रीजन पूछना चाहती हूँ। देखो मुझे लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे बीच में तुम्हारा रिलेशन इंटरफेयर कर रही हूँ मैं, बट यार क्या कर सकते हैं, मेरा दोस्त है वो, और फिर मैं अपने दोस्त को ऐसे परेशान नहीं देख सकती ना। हाँ, पर मुझे ये भी नहीं पसंद कि हमारी पर्सनल लाइफ में कोई थर्ड पर्सन पूछ रहे आते हैं। तो यार तुम बहुत अच्छी दोस्त होती, बस यही बात है यार, लाइक वो कुछ भी नहीं करता है, मैं कुछ डिमांड करूँ तो भी उसको पूरी नहीं होती है, एंड मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे यार उससे शादी का। अच्छा, डिमांड वाली बात है, डिमांड वाली बात है कि डिमांड्स पूरी नहीं कर पाता है, इसलिए तुम मतलब डिमांडिंग भी नहीं हूँ कि भाई मैं उसको बिल्कुल कंगाल ही कर दूँ, पर ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती है जो खुशी देती है, लाइक वो नहीं दे पाता है, एंड मेरी फैमिली बिल्कुल ही भी अलाउ नहीं करती, इसलिए मैंने छोड़ दिया जब आई मूव्ड ऑन। तो तुम रहना ही नहीं चाहती उसके साथ, क्योंकि वो तुम्हारी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाता, छोटी छोटी ही सही लेकिन डिमांड्स पूरी नहीं कर पाता। हाँ यार, मैंने उसका बॉयफ्रेंड बना लिया है। अच्छा, तुमने बॉयफ्रेंड भी बना लिया? थोड़ा यार थोड़ा टाइम रुक जाती है, अगर एक रिलेशन 2 साल का तुम्हारा चल रहा है, 2 साल कोई छोटी चीज तो है नहीं,
कोई दो चार दिन की बात तो है नहीं, दो साल की बात है ना यार। दो साल का रिलेशन है वो तुमने एकदम खत्म कर दिया, एक बार भी बंदे से पूछा नहीं वो किस सिचुएशन में है, कैसे रह रहा होगा, उसके साथ में कोई है या नहीं, थोड़ा तो सोचना चाहिए यार। यार ही इतना मैच्योर है टॉल में, मतलब बच्चों जैसी बातें करता है वो, मुझे नहीं पसंद आती, वो हर वक्त हंसता रहेगा भाई, मुझे नहीं पसंद उसका हंसना, इतना कौन हंसता है भाई, पागलों जैसे हंसता रहेगा, कोई भी बात होगी तो उसको हंसना है, कोई भी कुछ चीज होगी तो उसे बच्चे की हरकतें करनी है, नाम से रहना हर वक्त बच्चे हंसते हैं यार, ये सब चीजें मेरे को नहीं पसंद। एंड मैं खुश हूँ अभी जैसे जिस भी बच्चे के साथ में खुश हूँ अभी, मुझे नहीं चाहिए। एंड मैं नहीं चाहती मेरी पर्सनल लाइफ तुमसे करूँ बच्चे यार। तो मतलब जो वो बंदा है रिच है काफी, राइट, तभी तुम उसके साथ हो। ठीक है, मतलब तुम्हारा डिसीजन फाइनल है कि तुम्हें रहना ही नहीं है क्योंकि तुम्हारी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाता। और बच्चों वाली बात नहीं, तुम एक चीज क्लियर कर दो यार, बच्चों वाला प्यार ना उससे अच्छा प्यार हो ही नहीं सकता, कोई अंडरस्टैंडिंग की कमी है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने सारी चीजें तुम्हारी मान ली, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता तुम्हें उसे बता देना चाहिए था कि यार अब हम लाइक वर्क नहीं कर पा रहे साथ में, तो हमें तुम्हें रिलेशन खत्म करना है। ये चीट करना तो गलत है ना, तुम डबल डेट रहते हैं ऐसे। तुम्हें बदला चाहिए था, तो बदला लेने के लिए तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो भी जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तुम्हें नहीं पता ना भाई, सुन भाई, तुम्हें नहीं पता ना इस उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है, तबाह हुई है, जो भी हुआ है मुझे पता है, मैं उसके दोस्त हूँ। रात रात को रोता है, मुझसे बात करता है फोन पे, मुझे पता ना यार प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो कैसे जी रहा है अपनी जिंदगी में, तुमने तो एक बार भी पूछा नहीं, वेटिंग में जाती रहती, उसका फोन तक नहीं उठाया, इसीलिए रिलेशनशिप में आई थी क्या? ओवरऑल तुम्हारा डिसीजन ये है कि तुम्हें रहना ही नहीं है उसके साथ, है ना? और यार तो फिर उसे क्लियर बोल देना चाहिए था ना मुंह पे, लो अब बोल दो, कॉन्फ्रेंस में ही है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम डिजर्व नहीं करती उसको, तुम्हारा एक्स बंदा कॉन्फ्रेंस पे ही है। आदित्य हेलो, तू ऐसा करेगी मेरे साथ? मतलब तेरे लिए मैंने हर चीज करा, मतलब तुझे मेरा बटन दूंगा, मैं अच्छी तरह से तेरे आगे ना हंसता रहा, जिससे भी मुझे पता था कि फालतू कैसे ना बोले वो तो तूने कितना रिलेशनशिप निभाया बहन, रिलेशनशिप तूने कितना निभाया वो तो देख। अब भाई मेरा दोस्त है वो, मैं बोलूंगी बीच में, मेरी बात सुन लो एक बार प्लीज, मैं मेरी बात सुनो, रिलेशन वर्क नहीं कर रहा था तुम्हें ना उसे क्लियर कर देना चाहिए था। एक इतनी डबल डेट कर रही हो तुम, धोखा दे रही हो किसी को, याद रखना जो धोखा देता है ना आगे सामने जरूर आती है, जैसे को तैसा जरूर मिलता है। बहुत अच्छी तरह आएगी, अब तुम्हें
बिल्कुल यार, जैसे कुछ ऐसा तो होगा ही, अगर उसने इसने तुम्हें चीट किया तो इसको भी करेगा कोई ना कोई, इसको भी समझ में आएगी। महक आदित्य चल, काम डाउन यार आदित्य, एक सेकंड मेरी बात सुनो, आदित्य मेरी बात सुनो, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे दोस्त हो, मेरे लिए मेरी बात सुनो, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ एज अ फ्रेंड, हमेशा रहूंगी। इसको समझ आएगा कि दोस्ती से बढ़कर ये जो रिलेशनशिप करते हो ना तुम लोग, इसको समझ आएगा दोस्ती कितनी ऊपर होती है। मैं संभालूंगी यार तुझे, तू टेंशन ना ले। हाँ तू जैसी फिर सुन ना, तू जैसे लड़के तो आए दिन गली गली में पड़ी है, समझ आ गई। और आज की बात किसी को धोखा देना हो ना, सुन सुन मेरी बात सुन, तू लायक नहीं है। जैसे हम फोन पे बात कर रहे हैं, सिर्फ हमें ना कॉन्फ्रेंस में ना लॉयल्टी टेस्ट करना था, तू कितनी लॉयल है समझी, लेकिन उसमें तू फेल हो चुकी है। और मेरी बात सुन, यूट्यूब पे चैनल है मेरा, यूट्यूब पे चैनल है, और ये सारी तुम तेरी जब वॉइस भी जाएगी ना, तेरी तेरी फोटो भी लगा दूंगी, ठीक है। फिर तुझे समझ में आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आदित्य, वो मेरा काम है, डिस्कनेक्ट करते हैं, इसका फोन ही लायक नहीं है हमसे बात करने के, इसका स्टैंडर्ड नहीं है वो, गोल्ड डिगर बोलते हैं तो जैसे लड़कियों को, यू जस्ट शट अप, गो टू हेल, लायक नहीं है तू बात करने के, डिजर्विंग नहीं है बिल्कुल भी। चल ठीक है, दफा चल निकल मेरी दोस्त की जिंदगी से, निकल और सुन सुन, निकल निकल, मैं होती हूँ, मैं करूँगी वायरल, तुम्हें पता लग जाएगा, कल वीडियो आ जाएगी। चल तू कर ले, तुझे जो करना है, तुझे जो करना है कर ले बहन, तुझे जो करना है कर ले। चल ठीक है, तू फोन काट वहाँ से, चल चल तू फोन काट, निकल चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, तू निकल, लायक नहीं है बात करने की, तू तुझसे बहस कर रहे हैं हम, हम तुझसे बहस कर रहे हैं, निकल चल, दफाओ दफाओ, चल काट फोन, दफाओ। कोई दिक्कत नहीं आदित्य यार, उसका फोन कट चुका है, और यार मैं सपोर्ट करूंगी यार, दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा हम बात करेंगे, अच्छे दोस्त रहेंगे यार, और जिंदगी में ये सब होता रहता है यार, लोग आते जाते रहते हैं, ये थोड़ा कि हम किसी को इतना सीरियस ले ले। अरे मैंने आपने यार इतने पुराने दोस्त से लड़ाई करी, मतलब वो सही कहते थे ना, वो ही कहते थे भाई इसको खाली भी इससे कोई बात नहीं, काम डाउन आदित्य, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें अभी बैक कॉल करती हूँ, ठीक है, एक बार यहाँ से वीडियो कंप्लीट होकर तुम्हें बैक कॉल कर रही हूँ, तुम रिलैक्स रहो और रोना मत, मैं अभी तुम्हें बैक कॉल कर रही हूँ, ठीक है, ओके, रो मत प्लीज, मैं कॉल करती हूँ, ठीक है। सो गाइस, देखा आप लोगों ने क्या हुआ है वीडियो में, कि आप लोगों ने आज तक इतनी वीडियोस देखी होगी कि उसमें क्या होता है कि लड़के गलत होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरी खुद की आंखें खुल गई, लड़कियां भी ऐसी होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बंदी ना पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए क्या ये लड़के को छोड़ देगी, ऐसे सोचा भी नहीं उसने कि 2 साल का रिलेशन है बिल्कुल भी। तो प्लीज यार, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का मत दुखाओ यार, जिंदगी में जीने के लिए दुआओं की बहुत जरूरत है, तो प्लीज दुआएं हासिल करो और किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि करनी भरनी सब यही है यार, जैसे करोगे वैसा भरोगे, सुना तो है और ये सच है, तो प्लीज हर किसी को यार रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं रह सकते तो प्लीज उसे क्लियर कट बोल दो, ये डबल डेट वेट ये प्लीज मत करो, कुछ नहीं आना जाना इन सब में, अब भगवान सब देखता है यार, सबका हिसाब होगा यहाँ पे। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर देना, और बाकी यार इंस्टाग्राम पे आ जाओ, अपनी स्टोरी मेरे को शेयर करो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यार इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज करोगे, जिसको भी लॉयल्टी टेस्ट कराना है, बंदा पे बंदी पे जिससे भी कराना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, रिट्स धवन के नाम से अकाउंट है, यूजर नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जल्दी से जाके फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, लव यू।